होई का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होई का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार को होई का व्रत करें। तारा निकलने के बाद कहानी सुनें। कहानी सुनने के समय एक पटरे पर जल का लोटा रखें। चांदी की नाल में श्याव माता और मनियों को पिरो कर दोगड़ को पहनाएं और रोली से चिरच दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। कटोरी में हलवा और रुपये रख कर बायना निकालें। सात दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनें। चांदी की होई को गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना निकाल कर सासू के पैर छू कर दें। बाद में दिवाली के दिन अच्छा समय देखकर होई को निकाल दें। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ है उतनी बार दो चांदी के मनिए होई में डालते जाएं। होई निकाल कर होई को गुड़ से जिमा दें। जल का छीटा दे दें और रख दें। होई की उजमन विधि। अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो होई का उजमन होता है। एक थाली में सात जगह चार चार पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तेल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेर कर सासू के पैर छूकर दे दें। वह तेल तो सासू जी रख लें और हलवे पूरी को बांट दें। अगर किसी के बेटी आसपास गांव में रहती हो तो बायना निकालने के लिए भेज दें। होई माता को गेरू से दीवार पर मांडे या कैलेंडर भी लगा सकते हैं। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके सात बेटे सात बहुए और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुए अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली शाऊ के बच्चों को लग गई। वह तुरंत मर गया। इससे शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरे कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब छह भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह सात दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया और पूछा कि मेरी संतान सातवें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शव माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि शाऊ माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली सात समुन्दर पार शाऊ माता की सहेली रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा कर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उनको देख कर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाऊ माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुए निकाल दी। इस पर शाऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई करी है,
इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी बनू। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। यह सुन श्याम माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने कोक बंधवा ली थी, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी। सो मैंने कोक बंधवा ली थी, परंतु अब श्याम माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी है। हे श्याम माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोक खोली, ऐसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोक खोलती जाना। कहने सुनने उकारा भरने वालों पर भी दया करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी अवश्य कहें। होई माता की जय।